मारवाड़ के गांधी अशोक गहलोत साहब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान का जाना पहचाना चेहरा अशोक जी के नाम, जिन्होंने अभी अभी राजस्थान में तहलका मचा दिया है। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ, कांग्रेस बहुत दिनों के बाद एक बार वापस कांग्रेस। जैसे ही अशोक जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहली घोषणा, जी हाँ पहली घोषणा में मारवाड़ यानी तवज्जो दी है जोधपुर को। जोधपुर में मेट्रो लाऊंगा, पहला भाषण जोधपुर में मेट्रो लाऊंगा। ये बात अभी अभी खबरों में बनी हुई है, चर्चों में। सबसे पहली बात, जोधपुर में मेट्रो लाऊंगा। अशोक जी ने अपना पहला कार्ड खेला है जोधपुर में, और जोधपुर के मान सम्मान, एम्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जोधपुर में लाकर खुशियां प्रदान की हैं। और इस बार भी जयपुर के बाद राजस्थान में जोधपुर में आएगी मेट्रो। मेट्रो की सबसे बड़ी खबर अशोक जी के नाम, मुख्यमंत्री बनते ही पहली घोषणा जोधपुर में मेट्रो, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान। सूर्य नगरी के चहेते अशोक जी यानी मुख्यमंत्री बनते ही पहली घोषणा जोधपुर में मेट्रो लाऊंगा। ये खबर अभी अभी ईटीवी राजस्थान और लगभग सभी चैनलों पर चर्चा का विषय बनी हुई है। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सबसे बड़ी धूम के साथ लोग चाय के साथ, चुस्कियों के साथ पहली खबर पढ़ रहे हैं, जोधपुर में मेट्रो लाऊंगा। अभी अभी नई घोषणा, क्योंकि काफ़ी समय से विकास के नाम पर जोधपुर में एम्स हो, चाहे दूसरी कॉलेज हो, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, सब में अशोक जी का बड़ा ही योगदान है। अगर और ये राजस्थान में जोधपुर के अंदर अगर मेट्रो आ गई तो बिल्कुल तहलका मच जाएगा। जी हाँ, उनका पहला प्रयास है और बिल्कुल ये खरे उतरेंगे। मेट्रो के नाम पर जोधपुर अब सबसे आगे हो जाएगा। पहले से ही अपने हर कदम हर चरण में आगे जोधपुर मेट्रो। मेट्रो की खबर फैलते ही राजस्थान वासियों और सूर्य नगरी में यानी मारवाड़ के गांधी का सबसे बड़ा ऐलान, ये भी एक जादू की तरह है, जादू की झप्पी अब जोधपुर वासियों को, ताकि सुविधा के नाम पर हर प्रकार की चीज़ जोधपुर में हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल के नाम पर एम्स, यानी आसपास के क्षेत्रों से भी लोग अब जोधपुर आ रहे हैं, तो सवारियां भी अब जोधपुर की ओर उन्मुख, यानी मेट्रो। मेट्रो के नाम पर जोधपुर मचा रहा है धूम। लोग विदेशी वगैरह वगैरह मेट्रो, मेट्रो के लिए अब जोधपुर के लिए अशोक जी का बड़ी घोषणा। अब जानते हैं क्या कैसे क्या रणनीति अपनाते हैं और उस पर कैसे खरे उतरते हैं। अब उन्हीं से पूछते हैं कि वो कैसे क्या लाएंगे, कैसा क्या प्लानिंग है, उनका क्या रोड मैप है, धरातल पर कैसे उतरेगी मेट्रो, मारवाड़ और धोरों में कैसे चलेगी ये मेट्रो। देखते हैं अब आप ही के साथ। अपना चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।